सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आपको सोचे होंगे तो गाइस यहाँ पे हमारा CN25 आ चुका है और उसी के साथ हमारा न्यू अल्फा मैप भी हमारे गेम में आ चुका है और उसके साथ हम आपको न्यू अल्फा मैप के टॉप हाइडिंग प्लेस के बारे में बताएंगे, जिससे आप इन हाइडिंग प्लेसों का यूज करके 2 से 3 दिन में अपना हीरो लगा सकते हो। तो गाइस हर बार की तरह बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हमारा पहला हाइडिंग प्लेस और आप अपनी लैंडिंग रेड फॉरेस्ट पे करते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे लूट फूट करके अपना इस पेड़ के पास आना होगा। यहाँ पे मैं ग्लू लगा रहा हूँ, उस प्रकार आपको ग्लू लगानी है। आप यहाँ पे एक दो बार कोशिश करोगे आप पे हो जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ पे ग्लू के ऊपर चढ़ता हूँ और इस ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए आपको 2 ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस इसको आप स्क्वाड में या ड्यूओ खेलते हो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। गाइस आपकी पूरी स्क्वाड भी इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकती है। तो गाइस मैं लगा रहा हूँ ग्लू, आपको उसी प्रकार ग्लू लगानी है। तो गाइस इस हाइडिंग प्लेस का यूज करके आप अपना रैंक स्कोर तो आसानी से बढ़ा ही लोगे और बंदे को भी चौंक सकते हो कि बंदा भी कहेगा आखिर मुझे कहाँ से मारा है। तो गाइस आपको देख के बंदा भी चौंक जाएगा कि आखिर ये इस पेड़ पर कैसे चढ़ाए। और यह हाइडिंग प्लेस मुझे इस मैप का सबसे बेस्ट हाइडिंग प्लेस लगा है। अगर आपको भी ये हाइडिंग प्लेस पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। तो गाइस आप डीओ में रैंक बूस्ट करते हो तो मैंने डीओ में रैंक बूस्ट करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अपने चैनल पर बना के डाल दी। आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर अपना स्कोप ऑन कर करके ऊपर की साइड चढ़ना है जिससे आप नीचे ना गिरो। तो गाइस आप देख सकते हो फाइनली मैं इस हाइडिंग प्लेस पर चढ़ चुका हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर चढ़ के अपना रैंक स्कोर आसानी से बढ़ा सकते हो। Let's go!